हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। IMECET पहले आता है या स्पॉन्सरशिप? अगर IMECET पहले आता भी है तो स्पॉन्सरशिप के लिए कब प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। जाने से पहले आगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेट्स गो। 1 2 3 फक इट। सो विच कम्स फर्स्ट? डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप सबसे पहले आती है। स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स आपके मार्च से ही चालू हो जाएंगे, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, IMI, TS रहमान, इन सबके फॉर्म आपके मार्च से खुलना चालू हो जाएंगे। AMET का फॉर्म खुल जाएगा। सिनर्जी का इज ऑलरेडी ओपन। लास्ट ईयर सिनर्जी ने 105 कैडेट्स लिए थे फॉर स्पॉन्सरशिप इन ऑगस्ट बैच। इस साल तो और बड़ा नंबर एक्सपेक्टेड है क्योंकि उनने फेब में एक भी इनटेक नहीं लिया है। सो 100 कैडेट्स से ज़्यादा एक कंपनी ले रही है जिसके फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? IMECET के फॉर्म्स आपके अप्रैल एंड में खुलेंगे एंड जून फर्स्ट वीक में आपका IMECET हो भी जाएगा। जून से पहले 940 सीट्स है DNS की टोटल इंडिया में राइट नाउ। 800 सीट्स भर जाएंगी जून से पहले। जो लास्ट की 140-150 सीट्स बची हैं वो उसके बाद कवर होंगी, ठीक है। सो इतने अमाउंट ऑफ सीट्स आपके IMECET कंडक्ट होने से पहले ही भर जाएंगे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, स्पॉन्सरशिप कम्स फर्स्ट। एक और केस बता देता हूँ। 7000 रैंक IMECET में, स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉर्पियो, स्पॉन्सर्ड बाय सिनर्जी, स्पॉन्सर्ड बाय टॉम, स्टूडेंट्स ऑफ बडिंग मरीनर्स। ऐसा नहीं बोल रहा बडिंग मरीनर में आके गंदा रैंक आता है, रैंक तो अच्छा आता ही है, प्लस स्पॉन्सरशिप तो सब में क्लियर हो जाता है। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स का बताता हूँ। AIR रैंक 12, AIR रैंक 1, 2, ये वो, इतना AIR रैंक लाके स्पॉन्सरशिप कहीं पे भी नहीं, फिर SCI जा रहे, क्या फायदा है करके? सो आपको वेल राउंडेड अप्रोच रखना पड़ेगा, आपका ऑल राउंडेड अप्रोच। आपको IMECET पे भी फोकस करना है, आपको अपना स्पॉन्सरशिप पे भी फोकस करना है। दोनों चीजों पे फोकस करके चलोगे तभी आपका ढंग से प्रिपरेशन होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे बोर्ड मार्च में खत्म हो रहे हैं उसके बाद प्रिपरेशन चालू करूं। भाई मेरे कैसे प्रिपरेशन चालू करेगा उसके बाद? टेस्ट तो तेरे अप्रैल से चालू हो जाएंगे। इफ यू थिंक बोर्ड के बाद प्रिपेयर करके मेरा हो जाएगा, तो 99% चांस यही है आपका कि आप ड्रॉपर ही माने जाओगे और आपको फेब बैच के लिए अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो आप अपने ड्रीम्स को साइड रख दो। फिर अगर आपको वेल राउंडेड अप्रोच चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करना है फॉर IMECET एंड स्पॉन्सरशिप, जनवरी से अभी से ही स्टार्ट करते हुए, ठीक है। सो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके भरो, ताकि आपको एक वेल राउंडेड अप्रोच के साथ एक एक्सपर्ट मेंटर हेल्प करेगा। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। उसके अलावा भी व्हाट बेस्ट टिप्स आई कैन गिव यू कि घर से कैसे करना है, अपना एक खुद का स्केड्यूल बनाओ जिससे आप प्रॉपरली टाइम वाइज प्लस डेट वाइज ईच चैप्टर मेंशन करते हुए अपना आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करो कि अभी मेरे को ये करना है, फिर ये। एक वेल राउंडेड डिसिप्लिन एंड अप्रोच के साथ करोगे एवरीथिंग इज अचीवेबल। इट्स हाई टाइम गाइज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। ऑल द बेस्ट, आई विल मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।